बंगाल के एम्बुलेंस दादा जिनकी कमाल की कहानी पर बनने वाली फिल्म में सोनू सूद काम करेंगे। यकीनन आप बहुत सारी इंस्पिरेशनल कहानियां सुने होंगे, लेकिन मित्रों यकीन मानिए ये कहानी आपके दिल को छू जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार, प्रशांत मिश्रा नाम है हमारा और आप देखना शुरू कर चुके हैं लोकल टू ग्लोबल। बंगाल के करीम उल हक कई सालों से लोगों की मदद कर रहे हैं। जरूरत के बाद वे अपनी बाइक एम्बुलेंस पर लोगों को हॉस्पिटल पहुंचा के आते हैं। काफी इंस्पिरेशनल स्टोरी है। इन्होंने तब नहीं सोचा होगा कि एक दिन पूरा देश इनकी कहानी को जानेगा और अब यह होने जा रहा है। उनकी कहानी पर एक फिल्म आने वाली है। खबरों की माने तो बॉलीवुड प्रोड्यूसर करीम मोरानी इसे बनाने जा रहे हैं। बॉलीवुड के कई एक्टर से बात भी चल रही है जिनमें शाहरुख खान और सोनू सूद का नाम टॉप पर है। इसी मौके पर कुछ समय पहले करीम उल हक यानी एम्बुलेंस दादा मुंबई आए थे कॉन्ट्रैक्ट साइन करने और कंफर्म करने कि उनकी कहानी पर फिल्म बनने जा रही है। इस मौके पर एम्बुलेंस दादा ने कहा था कि यह मेरे लिए गर्व की बात है कि मेरे लाइफ पर फिल्म बनने जा रही है। अगर ये फिल्म लोगों को इंस्पायर कर पाती है तो उससे बेहतर क्या होगा। सोनू सूद को उनका किरदार निभाते देखने की बात पर भी एम्बुलेंस बाबा ने कहा कि मैं सोनू सूद से पर्सनली मिला हूं, मुझे वह बहुत अच्छे इंसान लगे। उन्होंने मुझे बताया कि वह मेरा किरदार निभाना चाहते हैं पर वह मुझसे लगभग 1 फीट लंबे हैं। वह एक शानदार एक्टर हैं पर मेकर्स को चिंता यह है कि मुझसे काफी अलग दिखते हैं। इस पर वह मेरी राय जानना चाहते थे। मित्रों अब हम बात करते हैं कि करीम उल हक यानी एम्बुलेंस बाबा की कहानी क्या है। तो मित्रों करीम उल हक पश्चिम बंगाल के मल बाजार के रहने वाले हैं। वहां के चाय के बागानों में काम करते हैं पर एक दिन उनकी माँ को हार्ट अटैक आ गया। यहां से करीम उल हक की जिंदगी पूरी तरह से बदल गई। चारों तरफ एम्बुलेंस खोजी पर कुछ ना हो सका। माँ समय पर हॉस्पिटल नहीं पहुंच पाई जिस कारण उनकी डेथ हो गई। इसके बाद करीम उल हक ने फैसला लिया कि कोई भी किसी अपने को एम्बुलेंस ना मिलने की वजह से नहीं खोएगा। तब से 20 गांव में अपनी बाइक के जरिए लोगों को हॉस्पिटल पहुंचा रहे हैं। ऐसे गांव जहां दूर दूर तक पक्की सड़क का पता नहीं है, इसी कारण उन्हें बाइक एम्बुलेंस दादा भी कहा गया। अब तक करीम उल हक लगभग 5,000 से ज्यादा लोगों को बिना किसी शुल्क हॉस्पिटल तक पहुंचा चुके हैं। उनकी सेविंग यूज कर खुद की जमीन पर हॉस्पिटल खड़ा करने लगे हैं ताकि हर जरूरतमंद इलाज करवा सके। इन्हीं सब कारणों की बदौलत उन्हें 2017 में पद्मश्री अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था। बता दें कि उन पर बनने वाली इस फिल्म को विनय मुद्दल डायरेक्ट करेंगे। अगले साल जनवरी में इसकी शूटिंग शुरू हो सकती है। मित्रों आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे नई कहानी और नई किरदार के साथ। फिलहाल इस कहानी के लिए आप अपना ओपिनियन लाइक और डिसलाइक करके दे सकते हैं। और कुछ नहीं, जय श्री राम, आपका दिन शुभ हो।